भाइयों ये देखो जी, ये हमें मिल गए हैं यहाँ पर हाथी सांप, और यही एक इकलौता हमें जिम कॉर्बेट में ऐसा जानवर मिला जो प्रकृति के नज़दीक रहता है। और ये इनके महावत साहब हैं जो इनको पालते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो ये जो इनको संभालते हैं वो है। तो भैया ये आपका नाम क्या वैसे? मेरा नाम फारूक है। फारूक जी, फारूक जी क्या पूरे दिन कार्य क्या करता है ये पूरा दिन? कार्य पेट्रोलिंग में रहते हैं साहब। अच्छा। हाँ, पेट्रोलिंग में गश्त तो जैसे रिस्कू है किसी चीज़ का, कोई परेशानी है तभी जाते हैं। जो आप रेंजिंग करते हो जब, तो इसके ऊपर जाते हो? जी जी जी। तो पूरा दिन क्या खान पान रहता है? खान क्या? पान जैसे पीपल है, गुल्लर है, यही सब लाते हैं, जंगल से चारा रोहिणी है। अच्छा, तो मतलब अपनी रेंजिंग के लिए इस्तेमाल करते हो इसको और कुछ नहीं? तो इसको पालतू आप ही बनाते हो या जंगल नहीं, से बाहर से खरीद के आते हैं? अच्छा, ये खरीद के लाते हो आप? बाहर से खरीद के। तो और एक चीज, यहाँ पर जिम कॉर्बेट में कितने हाथी रह चुके हैं आपके हिसाब से? यहाँ काफी हाथी रह गए, करीब करीब मर भी गए बहुत सारे और बाकी रह गए। अच्छा, तो फिर खरीद के लाते हो? अगर लोकल है तो वो पालतू नहीं बना सकते? नहीं, लोकल को, लोकल को नहीं बना। यहाँ अलाउ नहीं है ना। अच्छा, यहाँ के हाथी को अलाउ नहीं, बाहर से अब तो वो भी नहीं आते हैं, बाहर से आसाम से आते हैं ज़्यादातर, तो कर्नाटक है आसाम। तो कितने हाथी होंगे अभी आपके पास जो बाहर से आए होंगे? होंगे 10-12 हाथी होंगे। हाँ, 10-12 हाथी होंगे। हाँ, जिस पर आप रेंजिंग करते हो पूरा? नहीं, हम थोड़ी सभी से, हर हाथी पे 2 आदमी होते हैं। अच्छा, वही करते हैं। तो पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है इसके ऊपर चढ़ना, ठीक है ना? तो और क्या इसका जो आप बताना चाहते हो इंटरेस्टिंग फैक्ट? इंटरेस्टिंग का ये सरकारी हाथी है, सरकारी काम जो पेट्रोलिंग होती है जंगल उंगल में वही करते हैं बस। अच्छा, वही है इसका काम। और कभी लोकल हाथी नहीं बनाया ऐसे पालतू? क्योंकि टाइम लगता होगा पालतू करने के लिए। पालतू करने बहुत टाइम लगता है। अच्छा, बचपन से ही पाले जाते हैं? बचपन से किए जाते हैं। और ये कितने साल का जी? ये 60 से ऊपर है, रिटायर हो गया सर। ये 60 साल का है और ये रिटायर है इस टाइम? अच्छा, तो ये क्या, ये कहीं लेकर जा रहे हैं इसको अभी? थोड़ा रिस्क में जा रहे हैं। अच्छा, देखो जी 60 साल का हाथी है। वैसे कितनी उम्र होती है जी हाथी की? 100 साल हो गए लगभग। 100 साल के करीब होता है? आदमी के जैसे लगभग। आदमी से ज़्यादा ही ज़्यादा होती है ना? आदमी बराबर लाइफ लगभग आदमी से, हाँ उतने चल जाता है, जैसे देख रखाव हो जाए हाथी का उसी हिसाब से, जैसे आदमी का देख रखाव हो जाए। मतलब आदमी जैसा ही होता है, 100 साल का ये रहता ही रहता है। और ये देखिए जी बाहर आ रहा है अभी, और ये बाहर से। भैया ये वैसे आया कौन सी स्टेट से है? केरला साइड से ना? ये इसमें ढिकाला से आया। अच्छा, ढिकाना से। और ये देखिए जी 60 साल का है और सर्विस दे रहा आर्मी को। क्या बात है, क्या खूबसूरती है। केरला साइड भी हाथी काफी थे? केरला साइड काफी थे, लेकिन यहाँ के कहते हैं कि लोकल हाथी को नहीं छेड़ा जाता, वो रिजर्व में ही रखा जाता है, वो सेंचुरी में ही पलता है, और सर्विस के लिए बाहर से हाथी लाते हैं जिनको ट्रेनिंग मेन होता है, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए जो हाथी है वो बचपन से ही करवाया जाता है और बाहर से ही लाया जाता है। और ये बड़ा समझदार जानवर है, ऐसा नहीं है। ये देखिए पैर कैसे उछाल रहा है, ये मेरे ख्याल से अच्छा उतरने के लिए। हाँ जी, सीढ़ी है उसके लिए। और ये देखिए जी बाहर आ रहे हैं, क्या मस्त चाल है। और आदमी ने इसको भी कंट्रोल कर दिया, देखिए एक आवाज से वो कंट्रोल हो गया, पीछे मुड़। क्या चाल है इसका, नाम क्या होगा इसका? लक्ष्मण। लक्ष्मा। अच्छा, ये फीमेल है? लक्ष्मा फीमेल है। अच्छा, ए भी होता है भैया जो मेल होता है और फीमेल होता है? मेल ट्रेन हो जाता है या फीमेल नहीं होती? वो ज्यादा वैसा होता है ना, वो गर्म दिमाग का होता है ना मेल। अच्छा, वो गर्म रहता है। कड़ी चावल को सबको पता चल गया? ज्यादातर हम हथनी देखते हैं ना, हाथी तो इससे भी लंबा चौड़ा होता होगा फिर। हाँ। तो दूसरा वो कौन सा है, वो इसका कोई बच्चा बुच्चा? उसका भाई बहन है इसकी? अच्छा, अलग ही है वो। तो ये देख लीजिए कितनी केयर टेकिंग, 6-7 बंदे लगे हुए हैं इसके सेवा करने। हम जब सेंचुरी उधर भी गए थे ना, उधर भी उन्होंने मतलब लिखा हुआ था कि इसको हाथी ने मार दिया था, हाथी और उसकी शेर की कहानी उधर बताई गई थी। वो दूसरी तरफ जब पिछली वीडियो में गए थे तो ऐसे ही हाथी होते थे, उनकी पूरी रात लड़ाई लगी थी, ना शेर पीछे हटता था ना हाथी पीछे हटता था,
और ये देख लीजिए ये दूसरा सर्विस वाला है इनका, और आराम से पीपल खा रहा है। अच्छा एक चीज़ है, हम देखते हैं कि हाथी जितने भी बड़े जानवर हैं वो वेज डाइट पर होते हैं, वो पेड़ पत्ते खा के तब भी इतने ताकतवर हो जाते हैं। सोचने वाली बात है ना, वो ताकतवर हो जाते हैं। हाथी पूरी ज़िंदगी पेड़ पत्ते ही खाता है और शरीर देखो कितना है। और इंसानों में हम कहते हैं कि प्रोटीन खाने के लिए हमें चिकन भी चाहिए, अंडे चाहिए, 25-25 अंडे खाते हैं, तो फ़र्क देख लो कितना। और ये देख रेंजर साहब आ गए, वो ऊपर बैठे हुए हैं। आपको कैसा लगा? मुझे तो एकदम से दिखा मैं यार ये कवर करना बनता है। और ये दो बंदे ऊपर बैठ गए, ये अब जाएंगे अंदर। कोई शेर बीमार होगा मतलब देखने जाते हैं, शेर भी इसके आसपास नहीं आता। और क्या बात है, ये 60 साल का हाथी, दो बंदे बैठ के इस पर जाते हैं। और ये मस्ती है, ये छोटी उम्र का होगा, थोड़ा सा लगा हुआ पत्तों से खेलने। और ये उन्होंने करंट की तारें लगाई हुई हैं कि बाहर का बंदा कोई अंदर ना जा सके। क्या खूबसूरत है यार। केरला में मैं गया था लेकिन वहाँ पर जंगली हाथी थे, वो दूर दूर से ही देखे थे। हिम्मत तो पड़ती नहीं ना भैया हमारे जैसों की अंदर जाने की। और ये देखो वो देखिए ऊपर रख लिया उसने, क्या बात है, वो पत्ते ऊपर रख लिया अपने सिर के ऊपर। मन करता है जैसे वो बैठे हैं ना वैसे मैं भी बैठ के ऐसे एक चक्कर काट के आऊँ अंदर। क्यों जी लक्ष्मा जी, इसका नाम पता नहीं क्या, मेरी तरफ देख रहा है ये ऐसा नहीं है देख। अच्छा इन्होंने जंजीरों से बांध के रखा हुआ है इसको, तभी बाहर नहीं आ सकता, वो पेड़ के साथ जंजीरों से बांध के रखा है कि भाई तू इधर ही खड़ा रहा है। और वो चल पड़े जी सवारी पर। अब इसको भी लेकर जाएंगे? अच्छा ये छुट्टी है, चलिए बड़ा अच्छा लगा जी। लोग अच्छे हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं, है ना, समझा देते हो। है वैसे सरकारी ड्यूटी है इनकी वन विभाग की तरफ से, पर तब भी अच्छे लोग हैं यार, नहीं तो इनका बनता नहीं है हम जैसे टूरिस्ट से बात करना। तब भी कैमरे में आके बोल दिया, वो भी शुक्रिया इनके लिए, थैंक यू, बाय।